फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। आरआरबी क्लर्क में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, क्योंकि हम इसको बिना पेन पेपर के सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को ऑरली कैसे सॉल्व करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने भी ये क्वेश्चन बहुत सारे लगाए होंगे, लेकिन जो टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आप इसके आंसर ऑरली कैसे देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही मेरा उद्देश्य है कि आपको हर वो टेक्निक सिखाना जिससे आप अपने मार्क्स बूस्ट कर सकें। वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। देखिए आपको ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इस तरीके का ये क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा आपको। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा। देखिए यदि प्रत्येक संख्या, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये संख्याएं हमारे सामने हैं, तो पहला अंक सबसे ज्यादा, देखिए फर्स्ट अंक ये होता है, आप इकाई का अंक फर्स्ट अंक ना मान लें, समझ रहे हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि पहला अंक होता है ये, फर्स्ट ये होता है डिजिट, ठीक है ना। तो पहला अंक ये होता है और इकाई का अंक ये होता है, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर समझ लें, ये यूनिट डिजिट होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जहां भी ऑपरेशन इंप्लीमेंट करवाएगा, जो भी लैंग्वेज बोलेगा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही हमें काम करना है यहाँ पे। तो क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला है इसने कि पहले अंक में 2 जोड़ने आए आपको। तो आप पहले अंक में अगर कंफ्यूज हो गए ना तो आपका आंसर गलत हो गया फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो 2 जोड़ने पर 4 से कौन सा विभाजित हो जाएगा, तो यहां 2 जोड़ेंगे तो अभी हमें क्या मतलब, क्योंकि हमें पता है 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, ये बताइए। देखिए इसमें मैथ भी इंक्लूड है, तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि लास्ट की दो संख्याएं जो मतलब लास्ट की दो संख्याएं हैं ये लास्ट की दो संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए, वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यही तो रूल है, ठीक है ना। तो लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, तभी तो हमारा पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए आप यहां कुछ भी जोड़ो, हम क्यों जोड़े, यहां टाइम क्यों वेस्ट करें, बस भटकाने के लिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टू द पॉइंट बात करेंगे हम, ऑरली करने वाले थे। तो क्या आपको 45 4 से डिविजिबल दिख रहा है, नहीं है। 42 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 43 भी नहीं है, 46 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो 4 से कोई पूरा डिविजिबल है नहीं हमारे पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा नन, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ऑरली हमने इस क्वेश्चन को किया है। एक एक टिप्स आपको दूंगा जिससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा पाएंगे। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है जो कि आप पूरा करेंगे, आप मेरे से प्रॉमिस करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, उसी तरीके की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, नंबर पर ही हमें काम करना है, ऑरली इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिएगा यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे एवं तीसरे अंक, समझ रहे हैं, पहला अंक दूसरा अंक और तीसरा अंक, ये होता है पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहां कंसेप्ट क्लियर कीजिए जितना कर सकते हैं। पहले दूसरा, अब इसमें क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में दूसरे व तीसरे अंक की स्थितियों को आपस में बदल दिया, पहले अंक का कोई मतलब नहीं है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। देखिए दूसरे और तीसरे अंकों की आपस में बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं के अंतिम अंक एक वर्ग होगा, चीज समझ में आई, अंतिम अंक एक स्क्वायर होना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे। देखिए दूसरी तीसरी बदली है ना, तो अब पता है आपको कि ये दूसरी है वो तीसरी हो जाएगी, यही तो बात है, दूसरी है जो तीसरी हो जाएगी और तीसरी है जो दूसरी हो जाएगी, तो लेकिन हमें तो अंतिम अंक से मतलब है, तो अंतिम अंक देखिए यहां रिप्लेस होकर यहां 4 आ जाएगा, ठीक है, ऑरली कर रहे हैं, यहां भी 4 आ जाएगा, यहां भी 4 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो 4 क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आराम से हम इसको आंसर दे सकते हैं कि देखिए यहां भी 4 आ गया, यहां भी 4 आ गया, यहां भी 4 आ गया, बस ऑरली करना है, स्क्रीन पे देख के आप फटाफट से कर सकते हैं, यही मेरी टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए फिर से यहां 4 आ गया, 0 जाएगा, तो 0 थोड़ी ना होता है, तो बस आपके देखिए 1 2 3 4
मतलब तीन से ज्यादा आपके आंसर हो जाएंगे, तो मोर देन टू आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मैंने लिया हुआ है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आप ऐसे ही सतर्क रहें कि क्या हमें इंप्लीमेंट करना है, किस नंबर के बारे में बात की गई है, वहीं आपको जाना है, ठीक है। और भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ये क्वेश्चन के बाद भी मैं आपको दो चार क्वेश्चन ऑरली बताने वाला हूं और उसका आंसर आप खुद करके देखेंगे, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी बहुत आसानी से करने वाले हैं। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या, क्या बोला है, बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखना है दोस्तों। इसने बोला है दूसरी सबसे छोटी संख्या, पहली नहीं दूसरी, तो आपको पता है कि छोटी संख्या का पता कैसे चलेगा ये बताइए। अब मैं आपको नंबर देता हूँ, 245, 345, 445 मैंने आपको ये नंबर दे दिए, तो आप पहले डिजिट से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाई ये सबसे छोटी, ये दूसरी सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, यही तो बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से आपको यहां भी देना है नंबर्स में क्या है, या बोला है दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, तीन, ये तो हो ही नहीं सकती, ये सबसे छोटी है, तीन सबसे छोटा है तो सबसे छोटी है, उसके बाद क्या है चार, तो चार है हमारे पास, बिल्कुल है, तो चार ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है, पहली सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, और कोई देखिए सात है, छह है, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 402, उसका तीसरा अंक तो आप दो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तीसरा अंक क्या है, दो है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ना, और क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए, सात ही तो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका पहला अंक सात है, दूसरा अंक क्या है चार है, उससे विभाजित कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में बिल्कुल लगा पाएंगे, और भी 1.5 मिनट में लगा पाएंगे दोस्तों, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है, बस एक एक लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, इसलिए मैं आपके सामने सेशन लेके आया हूं कि आप गलती ना करें दोस्तों, है ना फ्रेंड्स। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर सभी अंकों को उनकी संख्या के अंदर ही, अब चीज लॉजिक आ रहा है, एक लॉजिक लगते हैं बस नंबर में, इस नंबर में जितने भी लॉजिक लगाएगा उससे क्वेश्चन बन जाएगा इसका। तो ये बोला है कि सभी अंकों को उनकी संख्या के अंदर अवरोही क्रम, अब आपको पता होना चाहिए अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ, छोटा सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा और छोटा और छोटा, इस तरीके से, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को तो हम क्या बोलेंगे, अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर को तो बोलेंगे अवरोही, और असेंडिंग ऑर्डर को बोलेंगे आरोही, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट पता होना चाहिए, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे इनको। अगर किसी को नहीं पता है तो इनको नोट कर ले कि इस तरीके से होता है। तो अब इसने बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ, ठीक है, अवरोही क्रम में अंदर ही जमाना है। तो अब आपको देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूं, आपको पेन पेपर नहीं चलाना है, यही तो बात हुई थी हमारी। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर सभी अंकों को अंदर ही उनके अवरोही क्रम में जमा दिया जाए, अवरोही क्रम हमें पता है क्या है, अवरोही क्रम हमें पता है क्या है, छोटा मतलब बड़े से छोटा चलना है, ठीक है। तो नई व्यवस्था में कौन सी संख्या सबसे, जो नई व्यवस्था होगी उसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, यही तो पूछा है कि जो हमारी नई व्यवस्था बनेगी उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ओवियस सी बात है दोस्तों, बड़े से छोटा जा रहा है तो बड़ी वाली सबसे बड़ी होगी, यही तो आंसर है। तो 7 फुट हमारा आंसर हो गया। तो बिना पेन पेपर के करने वाले हैं, बहुत बस कॉमन सेंस से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इसके अब देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो 7/42 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी संख्याओं में, अब जितनी भी ये संख्याएं हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा अंक कौन सा है। लो ये इतना आसान क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक हमें इसमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये पहला सबसे बड़ा अंक है, दूसरा सबसे बड़ा अंक 6, तो आंसर क्या देंगे, 6, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात करने वाला था कि और क्या पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, अब मैं आपको पॉसिबिलिटी जो बनती है और भी क्वेश्चंस मैं आपको ओरली बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर प्रत्येक नंबर का, मतलब जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं उनका पहला और तीसरा डिजिट आपस में इंटरचेंज कर दे, समझ रहे हैं, तो पहला और तीसरा डिजिट आपस में इंटरचेंज कर दे तो कितनी संख्याएं, हाउ मेनी नंबर्स, वो हमारे इवन नंबर बन जाएंगे। देखिए कितना आसान है, अब आपको क्या करना है, वो आंसर देखना है, मेरी बात समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं, कि ये क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, ठीक है,
फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है, ठीक है, बदलना है, ठीक है, आपस में बदलना है, ठीक है, तो हमारे पास कौन कितने इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना, यही तो है, कितने इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं आपसे, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं कि देखिए फ्रेंड्स, इवन नंबर का हमें पता कहां से चलता है। अब ये बताइए, ये है नंबर, यही ले लो, इनमें पांच पांच आ रहा है, तो क्या इवन नंबर है, क्या ऑड नंबर है ना, तो हम क्या देखते हैं कि लास्ट वाली डिजिट हमारी अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होगी तभी तो हम इवन नंबर मानेंगे। तो लास्ट वाली डिजिट से मतलब है, बस कंसेप्ट ये दे रहा हूं आपको कि लास्ट वाली डिजिट से मतलब है, हमें पहला और तीसरे से मतलब नहीं है, बस ये बोला कि पहले और तीसरे आपस में बदल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला लास्ट में आने वाला है। भाई तीन डिजिट के नंबर है, पहला लास्ट में आने वाला है। अब जिसका पहला इवन होगा वही हमारे आंसर है। तो देखिए, इसका नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, इसका नहीं है ये भी नहीं होगा, इसका है तो ये होगा, इसका है ये होगा, और इसका है ये होगा, तो हमारा आंसर कितने हो जाएंगे, तीन ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिनके इवन हो जाएंगी, वो अपने आप हो जाएंगी ना। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, आप अब नंबर जमाने लगेंगे, रिप्लेस करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं जो देने के लिए। अब एक और क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। अब क्या बोला है कि मान लीजिए, ये बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, 742 दिख रहा है ना, सबसे छोटी संख्या 345 यही है। तो ये बोले कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक क्या है, दो है, 742 का तीसरा अंक क्या है, दो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बोले कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है, चार है, उनका गुणन क्या होगा, आठ होगा, ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा कि भाई उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उनका एडिशन क्या होगा। तो इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था मेरा आज नंबर बेस का छोटा सा सेशन। मेरा उद्देश्य है 1.5 मिनट 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आप क्रैक करेंगे और अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमारा प्री में सिलेक्शन हो गया है, और बस इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।